Dr. Pallavi Patel. समूची दुनिया में अनेक देशों की तरह भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश में आज भी रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत खेती है और इस खेती से जुड़े हुए किसान इस देश के 64 लाख खेत खलियानों से जुड़े हुए हैं जो इस देश की रीढ़ और आधार बनाते हैं। किसान और कृषि को लेकर के बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जैसे कि सब्सिडी दे देंगे, जैसे कि आय दुगनी कर देंगे, जैसे कि कृषि उपज बढ़ जाएगी। तो इन्हीं तमाम बड़े बड़े दावों को लेकर के मैंने अपना प्रश्न रखा था और जिसके जवाब में माननीय मंत्री जी का जवाब मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन इस सूची और जवाब को देखने के बाद यहाँ बैठे विपक्ष के समूचे विपक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं वो इस बात पर मेरे साथ सहमति जरूर जताएंगे कि हमारा उद्देश्य सरकार को परेशान करना नहीं है, अपितु हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सदन के माध्यम से सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसका क्रियान्वयन किस हद तक जमीनी स्तर पे हुआ है उसकी जीती जागती तस्वीर जनता के बीच में पहुंचे। और ऐसे में मेरे किए हुए प्रश्न कि प्रदेश में किसानों की कृषि उपज बढ़ाने और आमदनी को दुगना करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है तो उसका विवरण दें, तो मेरे सामने ये 28 बिंदु वाली एक लिस्ट दे दी जाती है जिसमें 28 योजनाएं उल्लेखित हैं। अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूं कि ये 28 योजनाएं जिनके नाम यहां लिखे गए हैं जनता या यहां बैठे सभी माननीय विधायक सदस्य तो समझ नहीं पाएंगे, बल्कि अगर स्वयं मैं माननीय मंत्री जी को भी दे दूं तो इन योजनाओं का नाम पढ़ने के बाद वो नहीं बता पाएंगे कि 1.25 साल की सरकार हो गई है आपकी किस योजनाओं का। नहीं, ये मंत्री जी, आप मंत्री जी के बारे में या तो आप जानती नहीं है, इस प्रकार की टिप्पणी मंत्री के ऊपर करना उचित नहीं है। वो फिर मैं बात बोलूंगा, उनको कृषि के बारे में हर चीज मालूम है, उन्होंने योजनाएं आपको बताई हैं उनको नहीं मालूम, ये बात उचित नहीं है। तो माननीय अपना प्रश्न में मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूं कि सरकार आंकड़ों में मानती है कि क्या किसानों की आय डबल और कृषि उपज इन उल्लेखित 28 योजना के चलाए जाने के बाद अपेक्षा अनुरूप पूर्ण हो गई है? यदि हाँ तो आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार इन सभी 28 योजनाओं के पिछले 5 वित्तीय वर्षों के आंकड़े सदन के पटल पर रखे, और यदि नहीं तो अब सरकार की क्या योजना है उस योजना का संपूर्ण विवरण इस पटल पर दें और इसकी समय सीमा क्या हो। लास्ट प्रश्न आप ही का सर। अभी मेरा रह गया, चूंकि उर्वरकों पर 5% GST लगाया जाता है, कच्चे माल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया पर GST परिषद की सिफारिशों के बाद 28% GST लगाया जाता है, तो मेरा दूसरा अनुपूरक माननीय मंत्री जी से है कि क्या सरकार किसानों को उन्नत बीज और उर्वरक की खरीद पर GST मुक्त करेगी? बहुत बहुत आभार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।